विवेक अग्निहोत्री ने भूल भुलैया 2 की तारीफ। इस बात पर ट्रोल होने लगे करण जौहर। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल। वेल, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में रहेगा एक सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक गिफ्ट हैम्पर। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी खबर की ओर। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। इस मूवी को पहले दिन शानदार ओपनिंग मिली है। कई सेलेब्स कार्तिक की इस मूवी की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में विवेक अग्निहोत्री ने भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस सक्सेस को लेकर एक ट्वीट किया, लेकिन इसी बीच करण जौहर ट्रोल होने लगे। भूल भुलैया 2 को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया कि शानदार सफलता के लिए कार्तिक आर्यन को बधाई और ढेर सारा प्यार, अपने काम को बोलने दो और कभी मत भूलना एकला चलो रे। अब विवेक अग्निहोत्री के ट्वीट पर लोग कमेंट करते हुए करण जौहर को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि करण जौहर रो रहा है, उसने निकाला था ना कार्तिक को। दूसरे ने लिखा, करण जौहर खुद दोबारा काम करेगा कार्तिक के साथ, यहाँ सब बिजनेस है, जो हिट है वो फिट है। एक यूजर ने लिखा, तो अच्छा है ना, उस बंदे की सक्सेस के आगे झुकना ही होगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मालूम होगी कुछ समय पहले खबर आई थी कि कार्तिक आर्यन को करण जौहर ने अपनी फिल्म दोस्ताना 2 के लिए साइन किया था, लेकिन हाल ही में करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन ने ऐलान किया कि वह क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते फिल्म के लिए दोबारा कास्टिंग करेंगे। इस तरह कार्तिक को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स करण जौहर का मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमारा आज का सवाल ये है दोस्तों कि करण जौहर पर नेपोटिज्म को प्रमोट करने का इल्ज़ाम किसने लगाया था। बताते चले कि कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने अभी तक 66 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। सोमवार को फिल्म ने 10 करोड़ 50 लाख की कमाई की है। इससे पहले ओपनिंग डे यानी शुक्रवार को भूल भुलैया 2 ने 14 करोड़ 11 लाख रुपए कमाए, शनिवार को 19 करोड़ 34 लाख और रविवार को 23 करोड़ 51 लाख रुपए की कमाई की है। इस तरह से फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 66 करोड़ 71 लाख हो चुका है। विवेक अग्निहोत्री के ट्वीट पर करण जौहर का ट्रोल होना, इस पर आपकी है क्या राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सिनेमा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे थे फर्स्ट इंडिया फिल्मी।